Why the Boys is creating history और क्यों ये बाकी सुपर हीरो शो से अच्छा है। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में बॉयज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। तो चलो इस पे बात करते हैं। तुम में से काफी लोगों को पता होगा जब बॉयज का पहला सीजन आया था वो एक टिपिकल सा सुपर हीरो शो लग रहा था, लेकिन एंड होते होते हम लोगों को पता लग गया कि भाई ये तो कुछ और ही है। और बिल्कुल ऐसी ही सेम फीलिंग सीजन 3 के एंड में भी आती है। द बॉयज वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो शो है विच इज नॉट मेड फॉर किड्स। और इससे मुझे हीरोगैज़म एपिसोड की याद आ गई। जो सीन्स इसमें दिखाए गए हैं वो मोस्ट डेफिनेटली किसी भी नॉर्मल सुपर हीरो शो में नहीं दिखाए जाते, लेकिन हम लोग ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं दैट आगे आने वाले शोज कुछ नया करें जस्ट लाइक द बॉयज ने किया है। वेल एनीवेज बैक टू द बॉयज सीजन 3। तो विक्टोरिया न्यूमैन एक बार फिर से सीजन 3 के एंड में सबसे एक स्टेप आगे है जस्ट लाइक इन सीजन 2, और अब तो वो वाइस प्रेसिडेंट भी बन गई है। अब आगे देखना है कि इससे स्यूप्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है और अमेरिका का फ्यूचर क्या होगा, स्पेशली तब जब होमलैंडर ने रायन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया है उस प्रोटेस्टर को मार के जिसने रायन पर अटैक किया था। और मोस्ट प्रोबेबली रायन को इसमें मजा भी आ रहा है। अब क्वीन मेव पावरलेस हो गई है क्योंकि उसने सोल्जर बॉय की बीम को अपने ऊपर ले लिया था, और सबको ये लगता है कि क्वीन मेव मर गई है। हम लोगों को एशली भी दिखती है क्वीन मेव की रेस्क्यू वाली क्लिप को डिलीट करते हुए, जो ये शो करता है कि वो भी होमलैंडर से तंग आ चुकी है, और स्पेशली इसलिए क्योंकि होमलैंडर ने उसको डीप और ए ट्रेन के सामने शर्मिंदा करा था। शो रनर्स ने क्वीन मेव के कैरेक्टर को काफी अच्छे से जस्टिफाई किया है क्योंकि मेव सीजन 1 से ही बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रही है, लेकिन मे बी अब वो सीजन 4 में ना दिखे। सोल्जर बॉय को भी फिलहाल CIA ने कैद करके रख दिया है, लेकिन सोल्जर बॉय का रिटर्न तो डेफिनेटली होगा क्योंकि वो ही एक है जिसने होमलैंडर को अभी तक टक्कर दी है। हाँ, बिली बुचर भी बराबर तक पहुंच ही गया था, लेकिन अब वो टेम्प भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका ओवर यूज करने की वजह से वो मरते मरते बचा, और अब उसके पास सिर्फ कुछ मंथ्स ही बचे हैं जिसमें उसको टेम्प वी के बिना होमलैंडर को टेक डाउन करना है, जो कि काफी मुश्किल होने वाला है। और अब तो बिली का लास्ट होप रायन भी होमलैंडर के साथ है। अब बात करें ब्लैक नॉर की, तो सोल्जर बॉय का नाम सुनते ही उसकी गांड फट जाती है, और उसका सोल्जर बॉय से रिलेटेड ट्रॉमा भी वापस आ गया था जिसको शो में कार्टून्स के जरिए काफी इंटरेक्टिव वे में शो किया है। लेकिन हम लोगों को ब्लैक नॉर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि होमलैंडर ने उसको बड़े ही ग्रूसम तरीके से मार दिया है। उसने उसको इसलिए मारा क्योंकि ब्लैक नॉर शुरुआत से ही जानता था सोल्जर बॉय होमलैंडर का बाप है, और तुम लोग तो जानते ही हो कि होमलैंडर का सबका फेवरेट होने का ऑब्सेशन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आफ्टर ऑल होमलैंडर अपनी फैमिली चाहता था जब से उसको पता चला कि वो लैब में बनाया और रेस किया गया था। हर सीजन में होमलैंडर का कैरेक्टर सबसे तेज प्रोग्रेस कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 3 में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है क्योंकि पहले जहां वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें किया करता था, अब वो पब्लिक के सामने लोगों को मार भी रहा है जिसकी वजह से पब्लिक डिवाइड भी हो गई है। कुछ लोग स्टारलाइट के सपोर्ट में है तो कुछ लोग होमलैंडर के अंधभक्त बने हुए हैं। यही एक सबसे बड़ा रीजन भी है होमलैंडर के खुलने का। अब बात करें सीरीज में एडल्ट सीन्स का, तो ब्रो तुमने इतना हार्डकोर कंटेंट शायद ही कहीं देखा होगा। अपने पहले के दोनों सीजन्स को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, और स्पेशली हीरोगैज़म एपिसोड वो तो पीस ऑफ वर्क है। शो रनर्स ने ये भी रिवील किया है कि VFX और CGI को बनाने में इमेंस अमाउंट ऑफ पैसा यूज किया गया है, और रियल मॉडल्स भी बनाए हैं इंक्लूडिंग R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेल हीरोगैज़म का फाउंडर नन अदर देन सोल्जर बॉय था। अब बात सोल्जर बॉय की हो ही रही है तो मैं ये बता दूं कि जेंसन एकल्स हु प्ले सोल्जर बॉय उसने कुछ सीन्स करने से मना कर दिया था क्योंकि वो सीन्स कुछ ज्यादा ही लिमिट्स क्रॉसिंग थे। वेल सोल्जर बॉय सीजन 3 का द मोस्ट एंटीसिपेटेड कैरेक्टर था। ये वाला सीजन अपने पिछले सीजन से हर एक एस्पेक्ट में बेस्ट है। मोस्टली स्यूप्स के फाइट सीन्स इसमें वन ऑफ द बेस्ट सीन थे, लेकिन शो का प्रमोशन मोस्टली बुचर के पावर्स को टीज करके किया गया था, और बुचर ने उनको यूज करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और ह्यूगी को कैसे भूल सकते हैं भाई, जब उसका टेलीपोर्टेशन इतना सेंसिबल भी था क्योंकि वो अपनी बॉडी के अलावा हर चीज पीछे छोड़ देता था, बट समहाउ उसके ऊपर मिनिमल से जीरो इफेक्ट्स पड़े टेम्प वी यूज करने से, जबकि बुचर ने उससे बस एक डोज ही ज्यादा ली तो उसका ब्रेन मेल्ट होने लगा। स्टारलाइट उन दोनों को टेम्प वी यूज करने से मना करती है, दैट्स व्हाई ह्यूगी लास्ट फाइट में स्टारलाइट की मदद करता है बिना अपनी पावर्स का यूज किए, जहां पर स्टारलाइट को उड़ने की पावर्स भी मिलती है। स्टारलाइट का कैरेक्टर थोड़ा सा डल लगता है, मे बी कॉज वो हर सिचुएशन में सही चीज ही करने की कोशिश करती है, जबकि आजकल की ऑडियंस को डार्क चीजें देखना ज्यादा पसंद है। दैट्स व्हाई दिस शो इज वर्किंग अमेजिंगली। ये शो सिर्फ सुपर हीरोज का एटीट्यूड रियलिस्टिक नहीं रखता, बल्कि जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रोटेस्ट होते हैं उनको भी क्लोज टू रियल रखता है। द बॉयज का फिक्शनल यूनिवर्स DC और मार्वल से ज्यादा एक्यूरेट है। इस लेवल की चीज मैंने इनविंसिबल में देखी थी जिसको ब्यूटीफुली शो किया गया था। अब बात करूं उसके सीजन 4 के पोटेंशियल के बारे में, तो मोस्ट प्रोबेबली सीजन 4 लास्ट सीजन भी हो सकता है जिसमें मे बी हम लोग रशिया वर्सेस अमेरिका देखने को मिले जिसमें टेम्प वी का लार्ज स्केल में यूज हो। रशियंस ने सोल्जर बॉय के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके हो सकता है कंपाउंड वी को एक्सट्रैक्ट कर लिया हो जिससे रशियंस यूज भी बनेंगे। उस सिनेरियो में होमलैंडर की नई फोर्स बनेगी क्योंकि उसने डीप और ए ट्रेन को अबैंडन कर दिया है। और हाँ, द बॉयज की सक्सेस के बाद उसका स्पिन ऑफ भी अनाउंस हो गया है जिसका नाम है जेन वी। मैं तो इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अगर कोई डिटेल मुझसे मिस हो गई हो तो कॉमेंट में बताना, और ऐसे कॉन्टेंट देखते रहने के लिए डू सब्सक्राइब।